नमस्कार दोस्तों, बीएससी ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के आप लोग के इस आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। इस बार क्वेश्चन का लेवल जो है कैसे रहने वाला है, कैसे आप लोग का पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा, आप लोग भी जानते हैं दोस्तों लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, तो उस टाइप से क्वेश्चन भी आप लोग के साथ डिस्कस किए जाएँ। तो दोस्तों, जितने भी यहाँ पर सीरियस स्टूडेंट और जिन लोगों ने सोच ही लिया है, ठान लिया है कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना है, तो बिल्कुल वो आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेगा और कोशिश कीजिएगा कि पूरे के पूरे नंबर आज आप लोग को लाकर दिखाने हैं। और आज की क्लास ग्रुप डे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो ग्रुप डे के भी जितने भी यहाँ कैंडिडेट हैं उन सभी के साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं, बस आपको सिर्फ एक काम करना है, आप लोग अधिक से अधिक क्लासेस शेयर करते रहिए और आप लोग को इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट वीडियो से रिलेटेड जो है आप लोग क्लासेस मिलती रहेंगी। तो बस दोस्तों, बने रहिए और देखते रहिए बीएससी ट्रिकी क्लासेस को। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ही सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया कि एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए फिलहाल आप लोगों को बताएं। देखिए, लिफ्ट की ऊपर की ओर गति करने पर व्यक्ति का भार होगा W = mg + a, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको 5 मीटर प्रति सेकेंड ये गति दे रखी है ऊपर जा रहे लिफ्ट की, ठीक है। लिफ्ट की जो ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को बता दें, देखिए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आएगा आपका आपका सी वाला ही रहेगा, = 600 न्यूटन, ठीक है। तो वस्तु जो है पहले के ही समान होगा, क्योंकि लिफ्ट जो है नियत वेग से ऊपर की ओर गतिमान है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो यहाँ पर वजन रहेगा वो रहेगा 600 न्यूटन। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए अब आप लोग बताइए, विसर्पी घर्षण होता है, ये क्या होता है विसर्पी घर्षण। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आप लोग का सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। विसर्पी घर्षण जो होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर फिलहाल आप लोग का ए वाला, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। फिलहाल ये एक एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। जो क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लर्न करते चलिएगा साथ ही साथ में। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य के उस अंग या फिर भाग की पहचान करें जो कि श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो देखिए, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल सी वाला, केशिका स्तवक, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आप लोग का क्या है, ये है आप लोग का फिलहाल केशिका स्तवक, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा सी। तो मनुष्य के उस भाग की पहचान कर जो कि श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो ये आपका सी वाला है, क्लियर हो गया इतनी बात। जबकि आप लोग का यहाँ पर दे रखा है जैसे कि फुसफुसावरण, वायु कोष्ठिका और सूक्ष्म श्वास नली, ये सब श्वसन से संबंधित है, जबकि ये जो है आप लोग का केशिका स्तवक, तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जो कि किडनी का प्रमुख भाग है, ये किडनी का प्रमुख भाग है, ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं आपका 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो कि बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है। दोस्तों, ऐसा वो कौन सा हार्मोन है जो कि यहाँ पर बढ़ने में, ठीक है ना, बढ़ने में सहायक होता है, तो बताइए दोस्तों उसकी ग्रोथ में सहायक होता है, तो कौन सा हार्मोन है। और यहाँ पर जैसे कि आपको दे रखा है जैसे कि गोनेडोट्रोपिन, फिर दे रखा है ऑक्सीटोसिन, फिर आप लोग को दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, और फिर आप लोग को दे रखा है सोमेटोट्रोपिन। तो देखिए, यहाँ से 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह है आप लोग का, देखिए सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है बच्चों को बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि यह हार्मोन जो है प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है, और यह जो है मनुष्य और अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, वृद्धि हार्मोन एक 191 अमीनो अम्लों वाला एकल श्रृंखला का पॉलीपेप्टाइड है, जिसे अग्र पीयूष ग्रंथि के पार्श्विक कक्षों के भीतर, ठीक है ना, कायापोषी यानी कि सोमेटोट्रोपिन कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित, संचयित और स्रावित किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया। देखिए ग्रोथ के लिए जो सहायक हार्मोन है बच्चों में ये है आप लोग का सोमेटोट्रोपिन। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ईयर आप सभी के सामने, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी का शंभू नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा फिलहाल आपका यहाँ से यहाँ पर बी वाला स्कोलियोडॉन, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17। आपको यहाँ पर ये बताने कि संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये फिलहाल कार्बोहाइड्रेट्स है, तो जिसका भी आंसर यहाँ पर डी आर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिलहाल आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 18। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? देखिए रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा बी वाला फिलोकिनोन। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य के किस अंग में जो है कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो आपको यहाँ पर ये बताने कि मनुष्य के किस अंग में जो है परिहृदय यानी कि कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है, तो ये फिलहाल हृदय में। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी वाला। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? चलिए अब आपको यहाँ पर ये बताना है कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, तो दोस्तों करेक्ट आंसर फिलहाल आपका है सेक्रेटिन, ठीक है ना। सेक्रेटिन एक आतीय हार्मोन्स है जो कि आप लोग का ड्यूडेनम से एस सेल से स्रावित होता है, जबकि प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा ए। अब देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध डॉली भेड़ ये किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोगों के सामने ये रहा, ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिलहाल बताते हैं आपको प्रसिद्ध डॉली भेड़ ये किस तकनीक से परिणाम स्वरूप आई थी, तो यहाँ से आएगा क्लोनिंग, करेक्ट आंसर क्या होगा क्लोनिंग से, क्लियर हो गया इतनी बार। तो दोस्तों आईएस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि प्रजनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले विशिष्ट कोशिकाएं जिसे जनिक कोशिकाएं कहते हैं भाग लेती हैं। क्लोन एक ऐसी रचना है जो एकमात्र जनक यानी कि माता अथवा पिता से गैर लैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न होता है। उत्पादित क्लोन जो है अपने जनक से शारीरिक और अनुवांशिक रूप से पूर्णता समरूप होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाया ही क्लोनिंग कहलाता है, तो किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ये क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग की जो परंपरागत टेक्निक है इसमें भ्रूण क्लोनिंग या फिर ट्विनिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 1997 में डॉक्टर इयान विल्मुट और उनके सहयोगी ने नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग करके डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आप लोग की परीक्षा में ये पूछा जाए कि डॉली नामक क्लोन का जो है किसने तैयार किया था, तो 1997 में इसे किया था डॉक्टर इयान विल्मुट, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा डॉक्टर इयान विल्मुट, ये नाम है इनका इयान बिलमुट। अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 22। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये सबसे ज़्यादा आएगा सी वाला बसा का, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, छह रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो देखिए यहाँ पर दिया जाता है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन यानी कि BCG का टीका, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका ए वाला, दैट्स राइट फ्रेंड। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो देखिए 24 का करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका बी वाला डिफ्यूजन यानी कि विसरण। ओके तो क्लियर आंसर यहाँ से क्या होगा आपका बी वाला हो जाएगा डिफ्यूजन यानी कि विसरण। अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का अगला यानी कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने। निम्नलिखित जीवों में से किस में कोशिकाओं में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो देखिए 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा डी वाला बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, चलिए अब आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, तो आइए देखिए इसके बारे में आपको बताते हैं। करेक्ट आंसर है आप लोग का बी वाला आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है, यह एक पीले रंग का ठोस विशेष गंधयुक्त अस्थिर पदार्थ है और यह एक तीव्र कीटाणु नाशक भी होता है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है, यह आएगा आपका आइडोफॉर्म, दैट्स राइट फ्रेंड। अब देखते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन, और निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा सेकेंड वाला, क्या आपका करेक्ट आंसर है सी वाला विद्युत, सॉरी ये होगा आपका रेडियो तरंगे, करेक्ट आंसर क्या आप लोग का, ये फिलहाल आप लोग का रेडियो तरंगे, क्लियर है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कह सकते हैं। तो देखिए रेडियो तरंगों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की होती है, एक होती है लघु तरंगे एक होती है दीर्घ तरंगे, और लघु तरंगों की जो यहाँ पर खोज की है खोजकर्ता ये है आप लोग के हेनरिक हर्ट्ज और दीर्घ के हैं मार्कोनी, ठीक है, और फिलहाल रेडियो तरंगों का जो उपयोग है रेडियो टीवी के संचारण में किया जाता है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा फिलहाल सी। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3।
निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो देखिए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर कौन सा ये आएगा, आपका सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर सी आया है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा। देखिए अगर नमक को बर्फ के साथ मिलाएंगे तो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये घटेगा, हिमांक जो है उसका घटता है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। चलिए कैलामाइन जो है ये किसका अयस्क है, देखिए दोस्तों कैलामाइन जो है फिलहाल ये जो है आपका जस्ते का अयस्क है, ठीक है, कैलामाइन जो है ये जस्ते का अयस्क है, बाकी जस्ते का जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलामाइन ये होता है, तो यहाँ से आपका आंसर तो फिलहाल सी आ जाएगा। अगर टिन की बात करेंगे तो टिन का अयस्क किसका अयस्क है, तो टिन जो है वो आप लोग का कैसीटेराइट का है, कॉपर दोस्तों बहुत आता है, क्यूपराइट, एजुराइट, मेलाकाइट, कैल्कोपाइराइट, ये कॉपर के अयस्क दे रखे हैं, मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं डोलामाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट, ये सब इसके अयस्क है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है, अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है, तो सिक्स का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप लोग का डी वाला, निर्वात में, ध्वनि का जो है गमन निर्वात में नहीं हो सकता, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा डी। चलिए अब देखते हैं सेवन क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। देखिए स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इसके स्रोत है नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, जितने भी खट्टे फल हैं इसकी कमी को दूर किया जा सकता है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल सी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, एक पेड़ की उम्र का जो है पता कैसे लगाया जाता है। देखिए पेड़ की उम्र का जो पता है उसके वर्तमान के समय में कितने वार्षिक छल्ले हैं इससे पता लगाया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका सी वाला, ठीक है। और आयु के निर्धारण की यह विधि जो इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, चलिए किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ये प्रक्रिया का नाम क्या है, इसको बोलते हैं फिलहाल प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं दोस्तों आप लोग का अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आप सभी को यहाँ पर ये बताना है कि पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो कि आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सही जवाब आएगा आपका बी वाला, ये है आपका तना, हल्दी क्या दोस्तों ये तना है यानी कि स्टेम। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर ग्रुप डी एग्जाम के लिए वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आज के इस टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं, सभी क्वेश्चन आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको पसंद है तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करके जो है अपने चैनल बीसी ट्रिकी क्लासेस को सपोर्ट कीजिएगा। तो वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता ये आप लोग का कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, आपका ए बी सी या फिर डी, तो यहाँ से सही जवाब है आप लोग का सी वाला, क्रोमियम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, आपको यहाँ पर ये बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रयास दुग्ध द्वारा फैलती है। देखिए दुग्ध द्वारा फैलने वाली बीमारी जो है ये आप लोग की फिलहाल डिप्थीरिया, और तो यहाँ से फिलहाल आपका आंसर जो है वो आपका डिप्थीरिया ना होकर ये आएगा आपका क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो क्षय रोग लाल बुखार या फिर म्यादी बुखार द्वारा, ये दूध द्वारा फैलने वाले रोग हैं, क्षय रोग जो है दुधारू जानवरों से मनुष्य में संचारित होता है, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा ए वाला। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए नारंगी का प्रचुर स्रोत क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑरेंजेस की यानी कि नारंगी की, तो इसका प्रचुर स्रोत क्या है, देखिए ये है विटामिन्स का, इसमें विटामिन जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि नारंगी में विटामिन सी, क्योंकि खट्टे फल जो भी होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, यह भी मैंने आपको बताया, तो नारंगी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे.जे. टॉम्सन ने, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन, नामकरण किया रदरफोर्ड ने, कल मैंने आपको बताया था, देखिए प्रोटॉन की खोज जो है ये की है गोल्डस्टीन ने, और इसको जो नाम दिया इसका जो नामकरण किया वो किया है रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने, और नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने, तो यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, ये आएगा आपका जे.जे. टॉम्सन। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। देखिए चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा क्या होती है, तो ये होती है विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक, ठीक है ना, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, आई जो होता है ये समानुपाती होता है वी के, तो वही लिखा हुआ है, ये जो है धारा जो है ये विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका आएगा ये है आपका ए वाला। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है। प्याज कंद की जो विशेष महक होती है ये देखिए उसमें किस कारण से होती है, तो ये होती है सल्फर यौगिक के कारण। दोस्तों जो प्याज में है
ये जो गंध आती है ये सल्फर के कारण आती है, सल्फर यौगिक के कारण। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग का सही होगा। अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 17। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? देखिए दोस्तों यह वास्तव में क्या है, अब आप लोग को यह बताना है। तो करेक्ट आंसर 17 का क्या होगा, 17 का यहाँ से सही जवाब आएगा आप लोग का बी वाला। जल को मृदु बनाने के लिए जल में वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालते हैं, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। जिसका भी आंसर सोडियम कार्बोनेट आ रहा है, वेरी गुड क्लास। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आप लोग के ग्रुप डी के लिए। सोयाबीन में जो है क्या ज़्यादा पाया जाता है? आप लोग भी जानते हैं सोयाबीन में किस चीज़ का प्रचुर मात्रा में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में ही पाया जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा ए वाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है इसका जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इनमें से कौन उड़ सकता है? देखिए उड़ने की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया आप लोग को हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को क्षेत्रीय भाषा में धनेश कहा जाता है। धनेश की चोंच लंबी और नीचे की ओर घूमी हुई होती है, और ये जो है अमूमन ऊपरी चोंच के ऊपर जो है लंबा इसमें उभार होता है, जिसकी वजह से अंग्रेजी में इसका नाम पड़ा है हॉर्नबिल। हॉर्न का मतलब होता है सींग और बिल का मतलब होता है चोंच। ये उड़ने में समर्थ होता है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए वाला। अब देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। और हीटर का, विद्युत हीटर का जो होता है फिलामेंट वो बना होता है दोस्तों नाइक्रोम का। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, किसी का जवाब नहीं आया। फिलहाल आपको बता दें विद्युत बल्ब है टंगस्टन और विद्युत हीटर है तो वो है नाइक्रोम। इसके बाद देखते हैं आपको 21 क्वेश्चन, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? देखिए जंग लगने के बाद दोस्तों वजन क्या होता है आपको भी पता है, वजन जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा यहाँ से ए वाला। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, विटामिन जो नींबू संतरे से खट्टे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं कौन सा है? ये तो आपको याद करा दिया मैंने, ये है विटामिन सी। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। न्यूट्रॉन एक कण जो कि परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की थी? देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी आप लोग भी जानते हैं, जेम्स चैडविक ने की थी। करेक्ट आंसर होगा आपका सी। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, एक फ्रिज में शीतलक क्या है? देखिए शीतलक की बात करेंगे तो फ्रिज में ये होता है फ्रियॉन, फ्रियॉन बोलते हैं इसको। यहाँ से आपका आंसर आएगा डी वाला। और ये रहा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है ये है आप लोग का राइबोफ्लेविन। इसका प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियाँ, अंडा, ईस्ट, पनीर आदि। इसकी कमी से क्लोसिस, ग्लोसाइटिस तथा सेवोरिक डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाते हैं। थायमिन जो है विटामिन बी वन का, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फिलहाल इसका आंसर करेक्ट क्या है, ये है आप लोग का राइबोफ्लेविन। यहाँ से जिसका भी आंसर यहाँ पर डी आई बिल्कुल करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी हो। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि डेली इसी तरीके से आप लोग के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कराए जाएँ जो कि आप लोग के NTPC के एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो फिलहाल बने रहिए दोस्तों, आप सभी लोग देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ BSC ट्रिक की क्लासेस को। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि NTPC और ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर NTPC के लिए अप्लाई किया है और ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है, तो उन सभी के साथ आज इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।